हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी में हमने लास्ट वीडियो में 10 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखा हमने, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि लेखक हमें जीने की कला सिखा रहे थे कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, हंस के या तो दुख से ऐसे। तो इनका कहना था कि हम अगर जिस तरह से जीवन जिएंगे तो हमारे आसपास के लोगों पर वही असर होगी। अब हम आगे पढ़ेंगे। हमारा जीवन एक शीशा घर है, यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। शीशा घर यानी कि कांच का घर। तो यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब हर ही एक समय में सैकड़ों शीशों पर, मतलब हमारा जीवन ऐसे कांच के उस शीशा, मतलब आईना मेल में जो अलग अलग टाइप के होते हैं ना आईने, कि हम एक ही जगह पे खड़े हैं लेकिन हर जगह पे हमारा फेस दिखाई देता है। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी हमारे आसपास कई लोग हमारा, मतलब हमारा चेहरा या तो हमारा प्रतिबिंब देखता है। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। मतलब इसमें छाया मतलब उदासी की छाया। अगर हम एक चेहरे पर, हमारे चेहरे पर उदासी होगी तो ये उदासी सामने में जो सैकड़ों चेहरे हमारे सामने हैं उन पर असर होगी। ऐसे हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है, मतलब ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। हमारी लाइफ दूसरे के लिए भी है, जैसे हमारे घर वालों के लिए। सबसे पहले तो हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है, मगर उस एक ही लहर से अनगिनत लहरें बन जाती है। कि हमारे लाइफ दरिया जैसी है, कि जैसे कैसे दरिया में हम जाते हैं तो एक लहर आती है लेकिन उसके साथ और कितनी सारी लहरें। तो हमारी लाइफ में भी यही होता है कि खुशी की या दुख की एक लहर रहती है लेकिन दूसरे कई लोगों के सुख दुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ हमारी कोई बात भी सिर्फ हमारी नहीं है। हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हम खुद के लिए करेंगे उसमें दूसरों का भी भाग होता है, ऐसा कहा गया है इसे। हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाएंगे। हम अपना खुद का सोचें कि हमें कभी बहुत खुशी होती है, हम इतने एक्साइटेड होते हैं, लेकिन अगर हमारे आसपास के लोग का मुंह फूला हुआ होता है, वो दुखी होते हैं, तो हमें वो हमारी खुशी, हम मतलब हमारी खुशी हमें अच्छी नहीं लगती है। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगे। जैसे हम यहाँ पे ऐसा कहा गया कि हम खुश रहें, लेकिन ये भी है कि सिर्फ ये काम हमें नहीं करना है, सामने वाले व्यक्ति को भी करना है। अगर सामने वाला व्यक्ति खुश होगा तो हमारे फेस पे भी खुशी आ जाएगी। अगर वो दुखी होगा तो उसका दुखी चेहरा हमारे सामने ही दिखेगा, तो उसका असर भी हमारे ऊपर होगा और हमारा जो व्यवहार है उसका असर सामने वाले व्यक्ति पे होगा। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलोसॉफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। हम देखते हैं कि धर्म में, सदाचार में, फिलोसॉफी में सब जीवन की समस्या हल करने की बातें हमें बताई गई है, लेकिन हुआ क्या? ये सारे हमें हमारे लाइफ में कैसे जीना चाहिए वो हमें धर्म में भी बताया। सदाचार मतलब हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तो कोई भी आदमी तो ये सारी बातें हैं ना, सब वो हल करना चाहते थे, धर्म, फिलोसोफर और ये सब, लेकिन क्या हुआ, खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। सॉरी वापस से पढ़ती हूँ। ये अजीब बात है कि धर्म, फिलोसॉफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया उनमें। इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज़्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे वो उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी है। ये तीनों ने ये समस्या हल करना चाहा लेकिन उसका पासा उल्टा हो गया, इसलिए अभी
ऐसे लोगों का फेस देखते हैं तो सब ऐसे मानते हैं कि वो जो जिसका मुंह फूला हुआ है, जो दुखी है, वो या तो धार्मिक है, या सदाचारी है, या तो फिलोसोफर है। मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया है। तो ऐसे लोगों के चेहरे देखकर ऐसा लगता है कि ज्ञान जो हमें प्राप्त करना है और जो पवित्रता है उसके लिए दुखी चेहरा ही अनिवार्य है। मतलब ऐसे लोग हमेशा दुख ही रहते हैं। तो ऐसी व्याख्या बन जाती है, एक डेफिनेशन बन जाती है कि जो धर्म में मानते हैं, जो फिलोसोफी में मानते हैं, सदाचार में मानते हैं, वो हमेशा दुखी ही दुखी रहते हैं। उनके लिए ऐसी व्याख्या हो जाती है। आया समझ में? नेक्स्ट है, यह माना कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों को के सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, यहाँ पे गुत्थी यानी कि मुश्किली, उलझन, तो आज हम उन्हें हंसी ठट्ठे के चार शब्दों से हल नहीं कर सकते। मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। एक भक्त, एक साधु, एक फिलासफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच लिया है। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झलमलती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की बहारें, क्या है, क्या कहते हैं इस पैराग्राफ में? कि ये माना कि जिन उलझनों को दुनिया के सैकड़े वर्षों से सोच विचार कर भी हम नहीं सुलझा सके, तो आज हम उन्हें हंसी ठट्ठे, मतलब हंसी खुशी से वो नहीं सुलझा सकते हैं। ऐसे जो उलझने हैं हमारे व्यवहार में। मगर ये तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। मतलब जो हमें ये स्वीकारना पड़ेगा कि जो सत्य है वो तो है कि जो व्यवहार हम करेंगे, जैसा जीवन हम जिएंगे, ऐसा जीवन हमारे आसपास के लोग जिएंगे, या तो आसपास के लोगों के जीवन का असर भी हमारे जीवन ऊपर आएगा। मगर यह तो मानने पड़ेगा कि सत्य की आंखें और आंखें बंद नहीं की जा सकती। हाँ, जो सत्य है वो तो हमें स्वीकारना ही। एक भक्त, एक साधु, एक फिलासफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते हैं जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दिया है। मतलब प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दे दिया। विश्वकर्मा स्टूडेंट्स कौन है? जो घर बनाते हैं ना, उनके देव विश्वकर्मा होते हैं, जो दुनिया पूरी ऐसे। तो जैसे विश्वकर्मा ने ये पूरी प्रकृति बनाई है, तो यहाँ ये सब खींचा गया है। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ चेहरा, मतलब विश्वकर्मा ने जो चित्र बनाए उसका वर्णन है, चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलती हुई आंखें, ये सब वर्णन किया है। पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की बहारें, ये जैसे विश्वकर्मा ने पूरी प्रकृति बनाई है, इनका वर्णन यहाँ पे किया गया है कि ये सब जो हम देखते हैं हमारे आसपास का, तो उसका असर भी हमारे जीवन में होता है। जैसे चांद हमेशा मुस्कुराता रहता है, सूरज का मस्तक चमकता रहता है, तारों की झलमलाती, मतलब तारे ऐसे झिलमिलाने लगते हैं, पेड़ हमें ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ नृत्य कर रहे हैं, पंछी का कलरव है वो एक संगीत माना जाता है, फिर बहते पानी की तरंगे, ये इन सभी का असर हमारे जीवन पर जरूर होता ही है। फूलों की जो बहारें हैं वो भी अपनी शोभा दिखा दे रही है, मतलब फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही है। यहाँ हम एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। मतलब जो फूलों का जो जीवन है उससे भी हमें कुछ ग्रहण करना है। मतलब इधर हमें हमारा बुझा हुआ, मतलब उदास चेहरा, सूखा चेहरा और ये सब, बुझा हुआ दिल और सूखा चेहरा, इसके लिए इसमें हमें स्थान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रकृति की इस रूप सभा में तो यही जीवन सज सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें। स्टूडेंट्स, वक्ष यानी कि छाती, क्या कहते हैं कि प्रकृति का जो ये रूप है वो तो यही जी सकता है। इतना खुशहाल जीवन तो कौन जी सकता है कि जो अपनी छाती में दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता है। इनका कहने का मतलब क्या है
कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हमेशा उनके चेहरे पर खुशी ही दिखाई देते हैं। और चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों की छाह में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिल कर अपना स्थान ले सकता हो। मतलब यहाँ पर जीवन में क्या क्या जरूरी है कि जैसे हम प्रकृति का सौंदर्य देखते हैं, प्रकृति कभी देखो उदास नहीं होती है। हमने कभी ऐसा देखा है कि कोई पेड़ मुरझा हुआ बैठे, हाँ अगर कोई ऐसे उनको पानी ना मिला हो और वो, लेकिन फिर भी वो दूसरों के लिए ये सब प्रकृति जी रही है, दूसरों को खुशी देने के लिए वो अपना जो रूटीन है वो कभी नहीं भूलती है। तो यहाँ पर हमें इन सब के द्वारा जीने की कला सीखनी है, ऐसा लेखक ने कहा है कि प्रकृति कैसे दूसरों के लिए जी रही है, खुशहाल जीवन जी रही, वैसे मनुष्य को वो खुशहाल जीवन जीना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे वीडियो भी ख़त्म होता है और चैप्टर भी ख़त्म होता है। अस्तु।